चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। सचखंड श्री हरिमंदर साहब दी विच अरदास राशि इकट्ठे करने वाले काउंटर तो 1,00,000 रुपये चोरी हो गए ने। यह घटना एतवार की रात की है जदों दुख पंजनी बेरी दे वल काउंटर उत्ते तैनात कलर्क रशपाल सिंह बैठे सन। तां दो आदमी अते एक महिला उन्हां दे कोल आई अते रसीद लै गए। जदों कलर्क दा ध्यान एक व्यक्ति ने गिरे हुए पैसों उत्ते दिता तां कलर्क ने संबंधित व्यक्ति नूं पैसे चुकण दे लई कहा। जदों उह व्यक्ति नूं पैसे चुकण दे विच मदद कर रहा सी तां दूसरे व्यक्ति ने काउंटर दे विचों 1,50,000 रुपये दे दो बंडल चोरी कर ले। पैसे कढ़ण तो बाद तीनों रफू चक्कर हो गए। इस घटना की जानकारी कलर्क नूं करीब 1 घंटे बाद उदों हुई जदों उसने नकदी ना मिलण करके 1,00,000 रुपये घट दसे। प्रबंधक CCTV खंगालन लगे तो आरोपियों की तलाश हुई अते हुण पुलिस नूं इस संबंधी मामला दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी गई है। मुलाजम भी सस्पेंड की इस संबंध के पुलिस चौंकी गलियारा चौंकी के प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने SGPC के वालों एक कंप्लेंट मिली है जिसके तहत उन्होंने वालों मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। वो उन्होंने दसने मुताबक जो श्रोमणी कमेटी के मुलाजम ने परसों रात करीब 7:30 के करीब कोई बंदे बाहरों आए जो पंजाब के नहीं जापते वो दो तीन जने से जो CCTV की फुटेज के आया उन्हें आन के परची कटाई 100 रुपये की फिर उन्हें नसरबाजी की उन्हें चकमा दे के कहन लगा तुहाडे पैसे थले डिगे आ सेवादार पैसे चुकन लगा तो उन्हें गले चो हाथ मार के 1,00,000 रुपया कढ के लै गए। तो फुटेज के आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मुकदमा दर्ज वह हो चुका तो किधर नूं गए ने किधरों आए ने वह CCTV कैमरिया की हेल्प के नाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। धारा 380 IPC के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। Channel Y, Channel Y, a South Asian Canadian channel.